अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शामिल करें खबर खैबर में, जहाँ थाना बाड़ा की हदूद में नामालूम कार सवारों की फायरिंग से दो अफराद जान बहक हुए हैं। इतला मिलने पर पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुलजमान की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर खैबर में थाना बाड़ा की हदूद में हुई है, जहाँ नामालूम कार सवारों की फायरिंग से दो अफराद जान बहक हुए हैं। मजीद तफसीलात ले लेते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जहाँ ज़ैब खान से। जहाँ ज़ैब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला खैबर के तहसीली बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले कौमी सियासी समाजी शख्सियत हाजी मुनसिफ अली अफरीदी उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गए जब वो पिशावर में अमन जरगा में शिरकत करके वापस अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो अपने घर से कुछ फासले पर कम्बरखेल के इलाके में पहुंचे तो कुछ अफराद की जानेब से इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की दी गई, जिसके नतीजे में हाजी मुनसिफ अली अपने सिक्योरिटी पुलिस एहलकार और एक रागीर समेत मुताद गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिससे हाजी मुनसिफ अली और रागीर जहाँ बहक हो गए, जबकि पुलिस एहलकार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जहाँ उसकी हालत भी तश्वीशनाक बताई जाती है। मकामी लोगों ने खैबर जिला में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और आयर और टारगेट किलिंग पर तश्वीश का इजहार किया है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तौनसा शरीफ